यमुना, हाँ? मैं जल्दी से मारुति मंदिर में पूजा करके आता हूँ। पूजा में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए बाबा, आप आराम से विधि पूर्वक पूजा कीजिए वहाँ। तब तक मैं खंडूबा मंदिर में प्रसाद वितरण कर लूंगी। काका, कौन आवाज दे रहा है? मैं देखती हूँ। जी प्रणाम ताई, मैं रघुनाथ, मालसापति काका हैं। कौन है यमुना? बाबा, माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। प्रणाम काका। सुखी रहो। मैं रघुनाथ, मुझे मारुति मंदिर के पुजारी यशवंत जी ने भेजा है। यशवंत जी ने? लेकिन वो कहाँ है और अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ, उनका खत आया था मुझे, लेकिन उन्होंने तो लिखा था कि आज से वो मारुति मंदिर का कार्यभार संभालने वाले हैं। काका, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए तो उन्होंने मुझे भेजा है मंदिर का कार्यभार संभालने के लिए। तुम्हें? हाँ, मैं उनका शिष्य हूँ। लेकिन उन्होंने तो मुझसे इस बारे में एक बार भी चर्चा भी नहीं की कि उनका कोई शिष्य भी है। जी, अभी कुछ दिन पहले ही बना हूँ। ये पत्र भेजा यशवंत जी ने आपके लिए, ये लीजिए। लिखावट तो उन्हीं की है। प्रिय मालसापति जी, बहुत खेद है मुझे कि जिस समय मुझे आपके समक्ष होना चाहिए था, उस समय मेरा पत्र आपके समक्ष है। आपकी चिंता मैं समझ सकता हूं, और मैं भी एक दिन पहले शिरडी आ जाता, लेकिन अचानक से कुछ ऐसे निजी कारण आ गए जिनकी वजह से मैं यहां अपने घर में उलझ कर रह गया हूं। इसीलिए मैं और एक महीने तक नहीं आ पाऊंगा। आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने अपने एक शिष्य को भेजा है जो मेरी अनुपस्थिति में मेरा काम संभालेगा। आप मारुति मंदिर की जिम्मेदारी इसे सौंप दीजिए। आपका सहयोगी यशवंत। यशवंत जी ने तो लिखा है ये शिष्य है, लेकिन क्या ये लड़का पुजारी बनने के योग्य है? इतना बड़ा दायित्व उठाने का सामर्थ्य है इसमें? प्रणाम साई। राम जी भला करें। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। आई। बैठ जाइए। बताइए क्या बात है। साई, मेरा नाम तुकाराम है। 2 महीने पहले मेरी पत्नी चल बसी, अपने साथ मेरा सारा सुख चैन ले गई। जब तक वो जीवित थी, घर गृहस्थी के बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं थी। मैं अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाता था, पर अब तो दिन रात चिंता लगी रहती है। मेरे बूढ़े बाबा ने कुछ खाया होगा कि नहीं, मेरा इकलौता बेटा कहीं बुरी संगत में ना पड़ जाए। सारा दिन सारी रात बेचैनी सी रहती है। अब तो हालत इतनी बिगड़ गई है कि मेरे काम पे असर होने लगा है। तुम काम क्या करते हो? राता में बड़े साहूकार के पास मुनीम हूँ। आप दुनियादारी समझते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि मेरे पेशे के बारे में सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि मेरा काम कितना तनावपूर्ण है, कितनी सावधानी से करने वाला काम है। मेरी मेहनत, मेरी निष्ठा, मेरी ईमानदारी से प्रभावित होकर मेरा मालिक मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करता है, तो मैं भी उस भरोसे को तोड़ नहीं सकता ना साईं। मुझसे उम्मीद की जाती है
कि मैं हिसाब किताब में, खाता बही में कोई भी चूक ना करूं, क्योंकि ऐसा करने से मेरे मालिक को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुझसे भूल होने लगी है साईं, जिसकी वजह से मेरे साहूकार को शर्मिंदा होना पड़ा। फिर भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे तो शर्म आती है ना साईं। मैं पहले जैसा होना चाहता हूं, तनाव मुक्त, शांत, अपने काम में अच्छा। मुझे पता है दिन रात चिंता करके मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। मेरी पत्नी वापस नहीं आएगी। आज मेरी हालत जैसी भी है, इसी में सामंजस्य बिठा कर चलना होगा, नहीं तो 100% मेरी नौकरी हाथ से जाएगी। मैं समझता सब हूँ साईं, कोशिश भी करता हूँ कि बीती बातों को भुलाकर समय के साथ चलूं, लेकिन मैं खुद पे काबू नहीं रख पाता साईं। अपने मन को शांत रखने में असमर्थ हूँ साईं। मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं आज ही अपना मन शांत कर सकूं, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। बाहर जाइए और इसमें मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आइए। शायद मटके में पानी खत्म हो गया होगा। जी साई। अच्छा सुनिए तुकाराम जी, मुझे किसी कुएं, प्याऊ या घर से पानी नहीं चाहिए। बाहर कोई ऐसा गड्ढा हो जिसमें पानी भरा हो, वहीं से ले आना। जी, मतलब साईं को पीने के लिए पानी नहीं चाहिए, लेकिन गड्ढे का पानी क्यों? जी साईं। मन में साईं के क्या है, कौन जान पाए। मुझे पता है काका आप क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं इतना छोटा हूं, अनुभवहीन हूं, इतने बड़े दायित्व को कैसे निभा पाऊंगा, है ना? आपका सोचना बिल्कुल सही है काका, इसलिए तो मुझे आपके मार्गदर्शन की, आपकी मदद की आवश्यकता है। वैसे काका मेरा यहाँ कोई भी नहीं है अपना, और मेरा शिरडी में कोई घर भी नहीं है, तो सोच रहा हूं आपके घर में रुक लूं। लेकिन काका मुझे पता है कि मैं आपको कष्ट दे रहा हूं, लेकिन क्या करूं मैं, मेरी भी कुछ मजबूरी है। यशवंत जी को पूरा विश्वास है मुझ पर, वो मेरे गुरु हैं। पिछले एक महीने से उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और जब उन्हें लगा कि मैं इस योग्य हो गया हूं, तब उन्होंने मुझे यहां आने का आदेश दिया और मुझे कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे मारुति मंदिर का कार्यभार संभालना होगा। मुझे खुद को साबित करना होगा काका कि मैं एक अच्छा पुजारी बनने योग्य हूं। ये मेरी परीक्षा भी है, अगर आप इनकार करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपके इनकार करने की वजह से मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा न देकर पाप का भागीदार बन जाऊंगा, और कुछ नहीं। नहीं नहीं रघुनाथ, वो बात नहीं है। असल में बात यह है कि तुम्हें मारुति मंदिर में पूजा का दायित्व सौंपने का फैसला मैं अकेला नहीं कर सकता। आपको जिससे सलाह मशवरा लेना आप ले लीजिएगा का, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा ना। वैसे भी मैंने अपने गुरुजी से यहाँ के लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं उन सभी से मिलना चाहता हूँ। महासभापति जी, इतनी सी बात पे पूछना क्या? अगर यशवंत जी ने किसी को भेजा है तो सोच समझ कर ही भेजा होगा। हाँ मतलब एक दो दिन की बात होती तो शायद आप भी संभाल लेते, लेकिन अभी एक महीने का सवाल है तो यशवंत जी की जगह पे किसी को तो होना चाहिए। फिर मैं कहता हूं उन्हीं का कोई शिष्य क्यों नहीं। लेकिन पाटिल जी, क्या वो संभाल पाएगा, मेरा मतलब है पूजा कर पाएगा? साई ने सदाशिव जी को यही समझाया था ना कि पूजा नियमों से नहीं दिल से होती है।
अब ये देखना जरूरी है कि रघुनाथ जो है वो स्वभाव से आचरण से कैसा है। का स्वभाव से तो लड़का बहुत ही ज्यादा संस्कारी है। आते आते अभी मुझे कितने लोग मिले जिन्होंने मुझे बताया कि उसने कैसे कैसे उन लोगों की मदद की। उसने तो मेरी भी मदद की थी, मुस्कुराते हुए अपने आप। और उसे देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि वो कोई एहसान कर रहा है। फिर तो सब साफ है, उसने सबकी मदद की है। मदद करने ही आया है वो हमारी। आप ठीक कह रही हैं भाई साहब का, साई ने भी मुझसे यही कहा था कि मदद आ सकती है कहीं से। रघुनाथ, जी काका। मैंने सबसे बात कर ली है, तुम मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है काका, मैं आपका आजीवन कृतज्ञ रहूंगा। खुश रहो, कल से शुरू कर देना। काका, भगवान की सेवा के लिए तो मैं जीता हूं, इसमें कल की प्रतीक्षा क्यों करनी। आज से शुरू कर देता हूं, चलिए। लेकिन काका, पहले थोड़ी भूख लगी है, थोड़ा आहार मिल जाता। रघुनाथ, पूजा से पहले आहार? अभी पूरी तरह से पंडित बना नहीं हूं ना काका, इसलिए भूल गया। लेकिन यात्रा बहुत लंबी थी काका, कहीं भूख की वजह से कोई गलती ना हो जाए, इसलिए थोड़ा कुछ खा लेता हूं। ठीक है। ये लीजिए साईं। पर ये तो गंदा पानी है, इसे मैं पी कैसे सकता हूं? यानी आपको पानी पीने के लिए चाहिए था, तो आपने किसी गड्ढे से पानी लाने के लिए क्यों कहा? साफ पानी तो मैं कहीं से भी ला सकता था ना साईं। नहीं तो काराम जी, मुझे किसी गड्ढे में भरा हुआ बरसाती पानी ही पीना है। और कोशिश करो, तुम्हें कहीं ना कहीं साफ पानी मिल ही जाएगा। ये साईं क्या करवाना चाहते हैं मुझसे? जी साईं।
पता नहीं कहां मिलेगा साफ पानी। इतना ढूंढने पर मिला था, अब ये पानी भी गंदा हो गया। जब तक साफ पानी लेकर साईं के पास नहीं जाऊंगा, वो मेरी समस्या का हल नहीं देंगे। दूसरी जगह जाकर ढूंढने से अच्छा है यही इंतजार करूं। इतना भी गंदा नहीं है पानी, थोड़ी देर में मिट्टी बह जाएगी, तो फिर इससे साफ पानी लेकर मैं द्वारका माई जाऊंगा। भाव भाव, यहां से जाना। काका, पानी संभाल के जाना। यहां से जाइए। यहां पानी संभालना। बहुत देर हो गई मुझे। अरे रुई के पत्ते तो भूल ही गया। यमुना बेटा, नाश्ता तैयार है क्या? बस बन ही गया बाबा। अच्छा, मैं अभी आया। अरे आप अकेले सब कर रही हैं? कुछ मदद चाहिए आपको? नहीं, आपसे कैसे मदद ले सकती हूँ? आप तो मेहमान हैं, मेहमान से कैसे काम करवा सकते हैं? यही ना ताई, मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ और छोटे भाई को हुक्म देना चाहिए। लाइए मुझे कर दीजिए। नहीं, मैं कर लूंगी। ताई लाइए मुझे दे दीजिए, मैं कर लूंगा। आप जल्दी से पोहे लेकर बाहर आ जाइए, बहुत जोर से भूख लग रही है। माफी चाहूंगा काका, मैं अक्सर ऐसी गलतियां करता रहता हूं। मुझे लगता है कि मुझे आपको सच्चाई बता देनी चाहिए। काका, दरअसल मैं बचपन से अनाथ हूं। जब मैं छोटा था तभी मेरे आई बाबा मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। कभी इस रिश्तेदार के घर, कभी उस रिश्तेदार के घर, ऐसे भटकते भटकते पड़ा हुआ हूं मैं। जो सीखा अपने अनुभवों से सीखा। परिस्थितियों के अलावा मुझे सिखाने वाला और कोई नहीं था। उन्हीं की किताबें पढ़कर मैंने पूजा सीखी। हमारे गांव के पंडित जी जब भी फुर्सत में होते थे मुझे पूजा पाठ सिखाया करते थे, और थोड़ा बहुत मुझे यशवंत जी ने सिखाया। लेकिन कभी भी मुझे ढंग से शिक्षा नहीं मिली। वो होता है ना, विधिवत तरीके से। इसलिए काका, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। आपसे एक अनुरोध है काका, अगर आगे से मैं कभी कोई गलती करूं तो मुझे हक से बोलिए, मुझे सुधारिए और मुझे माफ कर दीजिएगा मेरी गलती के लिए। कोई
कोई बात नहीं बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी बहुत जल्दी सीख जाओगे। पूजा पाठ तो काका अभी सीख रहा हूं, लेकिन खाना मैं बहुत जबरदस्त बनाता हूं। सच? हाँ ताई, जिंदगी भर खुद ही पका के खाया है मैंने। रसोई में मैंने भिंडी देखी है, आज रात को आप दोनों को बना के खिलाऊंगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। हाँ मैं बेवजह ही चिंतित था, बड़ा अच्छा लड़का है। ये नहीं हो सकता। साई, बहुत देर इंतजार कर लिया, अब पानी साफ भी हो गया है। साईं, ये लीजिए, इससे साफ पानी और किसी गड्ढे में नहीं मिलेगा। पर तुम इतना साफ पानी लाए कैसे? इंतजार करके। ये भी गंदा पानी था, मैंने तब तक इंतजार किया जब तक पानी में मिट्टी नीचे बैठ नहीं गई, और उसके बाद जब पानी साफ हुआ तो मैं ले आया। मतलब इस मटके में पानी था। तो आपने मुझे इतना परेशान क्यों किया? मैंने तो सिर्फ पानी मांगा था। हाँ, मगर आपने कहा था आप मुझे उपाय बताएंगे, उसके लिए मुझे गड्ढे से साफ पानी लाना होगा, और जब मैं ले आया तो आपने उसे पेड़ में डाल दिया। आपको अंदाजा भी है वो साफ पानी ढूंढने में मेरा कितना समय बर्बाद हुआ, कितना इंतजार करना पड़ा मुझे। जब तुम्हें इस बात का एहसास हो गया कि इंतजार करने के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुमने इस हकीकत को स्वीकार कर लिया और लगे इंतजार करने। इंतजार करने के दौरान तुमने कुछ भी नहीं किया, यहां तक कि अपना तनाव अपनी चिंता भी भूल गए तुम, है ना? साईं, आपने बिल्कुल सही कहा,
मैं बिल्कुल शांत हो गया था, कुछ सोच नहीं रहा था मैं उस समय। पर साई, कुछ करने के लिए ना हो तो मैं बिल्कुल शांत ही रहूंगा ना। अगर मैं चाहता तो भी उस पानी को जल्दी साफ नहीं कर पाता साई। वो तो एक प्रक्रिया है, उसमें जितना समय लगना है वो लगेगा। जब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ कि पानी की गंदगी नीचे बैठ जाने पर तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, तब तुम इंतजार करने लगे। पर विचलित मन के शांत होने में भी तो समय लगता है, उसके लिए इंतजार करने में हर्जी क्या है? दुख को मन से निकाल कर फेंका नहीं जा सकता, उसे पूरी तरह व्यक्त होना ही होता है, तभी मन शांत होता है। इसलिए दुख से भागो नहीं, उससे बचने के उपाय मत सोचो। लेकिन मैं अपने दुख से भाग नहीं रहा हूं साईं। जब तुमने पानी में अपनी पत्नी का प्रतिबिंब देखा था तो मुंह घुमा लिया था ना। आपको कैसे पता? अपनी भावनाओं से दूर भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम? अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख को पूरी तरह से व्यक्त नहीं होने दिया है तुमने, बल्कि अपने दुख से अपना ध्यान हटाने के लिए अपने ध्यान को दूसरे कामों में, दूसरी समस्याओं में उलझा रहे हो तुम, है ना? कैसी बातें? जहां किसी प्रकार की कोई समस्या थी ही नहीं, वहां तुमने काल्पनिक समस्याएं बना ली हैं, ताकि तुम अपने ध्यान को, अपने मन को दुख के बजाय उन समस्याओं में उलझा सको। तुम्हारे बाबा ठीक है, ठीक से खा भी रहे हैं, वो चल फिर रहे हैं। तुम्हारा बेटा भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है, पर फिर भी उनके बारे में नकारात्मक विचार सोचकर तुम तनाव में रहते हो। तुम सोचते हो कि आज का दिन तो बीत गया, कल क्या होगा, और फिर इसी प्रकार की बातें सोचने से तुम्हारा तनाव बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है, और उस तनाव को लेकर फिर तुम अपने काम पर चले जाते हो, और फिर वहां भी समस्याओं की कल्पना करना शुरू करते हो। तनाव और भी बढ़ता जाता है, और फिर तुम अपने काम में गलतियां करते हो। और जानते हो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम अपनी पत्नी के बारे में सोचना नहीं चाहते, उसकी मृत्यु से तुम्हें जो दुख पहुंचा है उसका सामना नहीं करना चाहते तुम। लेकिन ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा, अपने बारे में सोचो, कुछ समय अपने लिए निकालो, समस्याओं का सामना करो, दुख की प्रक्रिया को पूरा होने दो, अपनी पत्नी के बारे में सोचो, अपनी भावनाओं को प्रकट होने दो। दुख से भागना बंद कर दोगे तो स्थिरता अपने आप आ जाएगी। मैं समझ गया साईं, कुछ चीजों को ठीक होने के लिए वक्त लगता है। किसी के नहीं रहने पर भी दुनिया चलती है। मैं आपकी बात मानूंगा साईं, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका धन्यवाद साईं। राम जी भला करे। पाटिल जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आप सबका बहुत ऋणी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया भगवान की सेवा करने का। रघुनाथ, आज से ये दोनों मंदिर के प्रबंधन में तुम्हारी सहायता करेंगे। नमस्ते पंडित जी। हमने पूजा की तैयारी कर ली है, आप आरती कर लीजिए। धन्यवाद। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। काका, आते ही आरती करना उचित नहीं होगा, इसलिए आरती से पहले हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता हूं, उसके बाद आरती कर लेता हूं। ठीक है। क्या हुआ, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रघुनाथ, तुम पंडित हो तो तुम्हें ये हनुमान चालीसा कंठस्थ होनी चाहिए ना। यशवंत पंडित जी तो बड़े सुलझे हुए,
व्यवहारिक इंसान है, ज्ञानी है, फिर उन्होंने इस रघुनाथ में ऐसा क्या देखा जो इसे पुजारी बनाकर यहाँ भेज दिया? सही कह रहे हो, मुझे तो नहीं लगता है कि ये इस योग्य है। अभी कंठस्थ है काका, वो क्या है, मैं अभी भी शिष्य हूं ना, और इतने लोगों के सामने पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला हूं, थोड़ी घबराहट हो रही है, और इस बात का भय भी है कि पाठ करते समय मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए सावधानी बरत रहा हूं, नहीं तो मेरे गुरुजी का नाम खराब होगा ना, बस यही वजह है किताब से पाठ करने की। मैं तुम्हारी मनोदशा समझ सकता हूं रघुनाथ, शुरुआत में सबको दिक्कतें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, मुझे भी हुई थी, लेकिन सफल वही इंसान होता है जो अपना डर लोगों के समक्ष नहीं आने देता। खुद पर विश्वास रखना सीखो। जी काका। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर नव रघु वर विमल जसु जो दायकु फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए साई। राम जी भला करें। प्रणाम साई। प्रणाम साई। राम जी भला करें। तो ये है साई, यशवंत जी इन्हीं के बारे में इतना सब कुछ बताया था। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। यशवंत जी ने कहा था कि शिरडी पहुंचकर सबसे पहले मैं आपके चरण स्पर्श करूं। ईश्वर तुम्हें नेक राह पर चलने की हिम्मत और सद्बुद्धि दे। साईं, ये यशवंत जी के शिष्य हैं रघुनाथ, वो नहीं आ पाए तो उन्होंने रघुनाथ को भेजा है मंदिर का कार्यभार संभालने के लिए। साई, ये फल आप आराम से छीलकर खा लीजिए। लीजिए, मैं आपका तब तक झोला संभाल लेता हूं। मुझे अपना झोला संभालने की आदत है। दिए में तेल थोड़ा कम हो गया है, डाल दीजिए। जी साई। पंडित जी, वो गंगा जल है। वो क्या है ना कि आज मेरा पहला दिन है, तो उत्साहित भी हूं और घबराया हुआ भी, बस इसलिए मुझसे गलतियां हो रही हैं। वैसे तेल कहाँ रखा हुआ है? वो वहां है पंडित जी। अच्छा अच्छा, ये जल क्यों नहीं रहा है? जरा मदद करो मेरी। अब जला दीजिए। आठ साल की है मेरी बेटी, पर वो भी जानती है
कि जलती हुई लौ पे तेल नहीं डाला जाता है। खामखा नए पंडित जी की योग्यता पर सब शक कर रहे। बेचारे ने कहा ना, वो अभी घबराए हुए हैं। अभी उम्र ही क्या है उनके। और यशवंत पंडित जी ने भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। रघुनाथ को देखकर मुझे भी अपने शुरुआती दिनों की याद आती है। मैं भी इसकी तरह ही उत्साही हुआ करता था कुछ भी नया सीखने के लिए। रघुनाथ बहुत ही विनम्र इंसान है साई, और कुछ भी नया सीखने की ललक है इसमें। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में भी हिचकिचाता नहीं है। बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठने के बाद भी बहुत ही संस्कारी, और साई स्वभाव ऐसा जैसे मिस्री। पता है साई, मेरे मन में पहले इसे स्वीकार करने के बारे में बहुत हिचकिचाहट थी। फिर मुझे आपकी बात याद आई कि मदद का क्या, वो तो कहीं से भी कभी भी किसी भी दिशा से आ सकती है। और जो हमें बुरा महसूस होता है वो कभी कभी अमृत के समान होता है। मुझे खुशी है साई, जो मैंने आपकी बात मान ली। अच्छा माल सपति जी, मैं चलता हूं। प्रणाम साई। राम जी भला करे। ये सब मैं बांट दू। बरसात के समय ये जगह कुत्ते और बिल्ली के सर छुपाने की जगह थी, लेकिन कुछ दिनों पहले तेज हवा की वजह से इसकी छत टूट गई। साई, इसे आप ठीक करने में हमारी मदद करेंगे ना? जरूर। हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा नहीं, अभी नहीं, अभी हमें इस पर थोड़ा सा वजन रखना होगा ताकि इसे स्थिरता मिले, हवाएं इसे उड़ा ना सके।
साई। मेरी जेब अचानक से अत्यधिक भारी क्यों लग रही है? ये क्या हो रहा है? इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊं, मुझे इस लूट को किसी सुरक्षित स्थान पर छुपाना होगा। मंदिर के पीछे ही छुपा देता हूं। यमुना को भी अभी इधर आना था। यमुना यहां मालसापति मंदिर में, मतलब घर खाली, जगह मिल गई। नमस्कार मालसापति जी। नमस्कार जी। देवीदास जी इस साल अमरनाथ जी की यात्रा पर जा पाए और वे इसे हनुमान जी की कृपा मानते हैं। बड़े दिनों बाद पूर्णवासी आज मंगलवार के दिन आई है, इसलिए देवीदास जी की इच्छा है कि हनुमान जी को आभूषणों से अलंकृत किया जाए। बहुत सुंदर। मैं रघुनाथ को कहता हूं कि इन आभूषणों से हनुमान जी को अलंकृत कर दे। अब वही है यहाँ का पंडित, लाइए। रघुनाथ, रघुनाथ, पंडित जी कहाँ? पता नहीं, अभी तो यहीं थे। कुछ बताया नहीं कहाँ जा रहे हैं? नहीं। ऐसे बिना बताए मंदिर छोड़ के कहाँ जा सकता हो? सुनो, अब वो नहीं है तो उनका कार्यभार तुम्हें ही संभालना है। इधर आओ। इन आभूषणों से हनुमान जी को अलंकृत कर दो। हे भगवान, क्या हुआ? हनुमान जी के बाएं हाथ का कड़ा गायब है।
यही मौका है। साई, आप यहां? मैं इधर से गुजर रहा था तभी तुम्हें देखा। अरे तुम्हारे हाथ तो गंदे हैं, आओ मैं धुला देता हूं। कहीं साई ने मुझे कड़ा छुपाते हुए देख तो नहीं लिया? बीज बो रहे थे क्या? हाँ 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 साई, बीज बो रहा था। आज मेरी जिंदगी का बहुत खास दिन है। बतौर पंडित आज मंदिर में मैंने पहली बार पूजा कराई है, तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए मैं एक वृक्ष उगाना चाहता था, बस इसलिए बीज बो रहा था। बीज बोया है तो फल भी जरूर मिलेगा। अच्छा साई, मैं चलता हूं। रुको, मुझे भी पानी भरने उसी तरफ जाना है। मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। लाइए ये मटका मुझे दे दीजिए। मैंने कहा ना, मुझे अपना बोझ उठाने की आदत है। चलो। वहां पे भी नहीं है। हो सकता है पंडित जी को पता हो, लेकिन ये पंडित जी है कहां? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा पाटिल जी, एकदम से कहां चला गया वो, और वो भी बिना बताए। लगता है कड़ा गायब होने की खबर फैल गई है। मैंने समय पर कड़ा छुपा के बुद्धिमानी का काम किया। कुछ सोच रहे हो रघुनाथ? कुछ नहीं। तो फिर मंदिर में जाओ और देखो। मंदिर में जो भी समस्या है उसे ठीक करना तुम्हारी ही तो जिम्मेदारी है। समस्या? मेरी जिम्मेदारी? भक्तों की गहमा गहमी देखकर लग रहा है कि कुछ तो हुआ है, और हनुमान मंदिर का पुजारी होने के नाते जो भी हुआ है उसे ठीक तो तुम्हें ही करना होगा, है ना?
जी साईं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जाओ। क्या हुआ, आप सब लोग इतने हैरान परेशान क्यों हैं? अनर्थ हो गया। अनर्थ? पंडित जी, देवीदास जी के भेजे हुए आभूषण से जब मैं हनुमान जी को आभूषित करने जा रहा था तो अचानक मैंने देखा कि थोड़ी देर पहले जो कड़े चढ़ाए गए थे उनमें से एक कड़ा गायब है। हमें लगा कि कहीं तुमने तो। हे भगवान, ऐसा अनर्थ कैसे हो गया? मंदिर से कड़ा कैसे गायब हो सकता है? हे बजरंगबली, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप अपने भक्तों की? यही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। हमने इस मंदिर का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन वो कड़ा कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात बता रहा हूं, तुम ये मंदिर छोड़कर बिना बताए कहां चले गए थे? ये समय सवाल पूछने का नहीं है, कड़ा ढूंढने का है। ढूंढिए आप सब भी कड़ा। हे भगवान, पता नहीं अब मिलेगा भी या नहीं। कोई भी चुरा सकता है और चुराने वाला अब तक तो मंदिर से चला भी गया होगा। ये कैसी बात कर रहे हैं आप पंडित जी? कोई चोरी क्यों करेगा, वो भी भगवान का कड़ा। बहुत ही घटिया व्यक्ति होगा वो जिसने ये पाप किया है। ये पाप मैंने किया है। और क्या, मेरी वजह से वो कड़ा चोरी हुआ। ना मैं यहां से जाता और ना ही कड़ा चोरी होता। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। क्षमा प्रभु क्षमा। आज पुजारी के रूप में मेरा पहला दिन था और आज ही आपका कड़ा गायब हो गया। दुखी मत हो रघुनाथ, भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अगर तुम वाकई खुद को दोषी मानते हो तो सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी कामना जरूर पूरी करेंगे। कड़ा जरूर वापस दिला देंगे। जी साईं। मैं सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करूंगा। हे पवन पुत्र, मेरे खातिर गुम हुआ कड़ा वापस ला दीजिए, वापस ला दीजिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा, पाप लगेगा प्रभु, पाप लगेगा।
मिल गया कड़ा। ये देखिए भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली रघुनाथ, ईश्वर की कृपा है आप पर, वो आपकी सुनते हैं। कड़ा यहां कैसे? मैंने तो इसे कुछ देर पहले अपने हाथों से कहीं और छुपाया था। मैंने कहा था ना, भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं करते। और जब भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुनकर ये कड़ा तुम्हें वापस दे दिया है, तो मुझे लगता है तुम्हें अपने ही हाथ से दोबारा ये कड़ा हनुमान जी को पहनाना चाहिए। हाँ, ये सही रहेगा। यही सही रहेगा। लो। नहीं, साईं कड़ा लाकर यहां कैसे रख सकते हैं? हम दोनों तो साथ साथ आए हैं। अब इन आभूषणों से भी हनुमान जी को अलंकृत कर दो। अब तो सच में लगता है भगवान की कृपा है मुझ पर। मैं तो बेवजह ही एक कड़े की चिंता कर रहा था, जबकि इतने सारे आभूषण मेरी आंखों के सामने पड़े थे।